not. राजा के बगीचे में एक डुमुर के पेड़ में एक टुनटुनी चिड़िया का वास था। एक दिन राजा के आदमियों ने राजा के संदूक के मोहर धूप में सुखाने के लिए रखा था। शाम को मोहर उठाते वक्त गलती से एक मोहर बगीचे में ही गिर गया। टुनटुनी को ये सब दिख जाता है। मोहर को लेकर मैं अपने घर जाता हूँ। राजा के घर भी मोहर होता है, मेरे घर भी मोहर है, ये बात मैं राजा को जाकर बताता हूँ। प्रणाम महाराज। क्या खबर है टुनटुनी? राजा के घर में जो धन है टुनटुनी के घर में भी वही अरे धन भाई। है। देखो टुनटुनी के घर में क्या धन है। जी महाराज। महाराज टुनटुनी के घर में एक मोहर है। अरे वो तो मेरी ही मोहर है, जल्दी से ले आओ। जो आ गया महाराज। मेरे घर से पैसे ले रहा है, रुको आज राजसभा में अच्छा मजा चखाता हूँ। राजा इतना धनी है फिर भी टुनटुनी के पैसे लेता है। ये तो बहुत बदतमीज पक्षी है। प्रहरी इसके पैसे से लौटा दो। जी महाराज। मजा आया। राजा बहुत डर गया, टुनटुनी के पैसे लौटा दिए। क्या टुनटुनी ने ये सब बोला? ये तो बहुत ही बदतमीज पक्षी है, आगे जाओ तो भी काटता है। प्रहरी इसी वक्त रानियों के पास जाओ, रानियों को बोलो कि राजा ने इस पक्षी को भेजा है, इसको पकाओ। समझ में आ गया? मैं खाऊंगा। ठीक है महाराज। इसके बाद राजा के निर्देश के अनुसार प्रहरी लेकर गए टुनटुनी को पकड़कर रानियों के पास। वाह कितना सुंदर पक्षी है, कौन दिखाओ दिखाओ। अरे मुझे भी दिखाओ। हे भगवान टुनटुनी तो उड़ गया। अब क्या होगा? वो देखो एक मेंढक, इसी को भूनकर राजा जी को परोस देते हैं। हाँ 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 यही ठीक रहेगा। मजा आया। राजा ने भुना हुआ मेंढक खाया। प्रहरी रानियों को बुला कर लाओ। अच्छा महाराज। तुम लोगों ने मुझे टुनटुनी की जगह मेंढक भूनकर खिलाया है। क्या करती महाराज, जब हम तीनों टुनटुनी को देख रहे थे वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। इसकी सजा तुम लोगों को देनी ही पड़ेगी। जल्लाद। आदेश महाराज। रानियों के नाक काट दो। मजा आया। टुनटुनी तो उड़ गया, रानियों की नाक कट गई। अब मैं तुम्हें जिंदा ही निकल जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, मुझे निकल भी लिया तो पेट से निकल कर भाग जाऊंगा। तो फिर ये बात है, चलो देख ही लेते हैं। अरे बाप रे मम्मी। अरे बाप रे नाक कटी राजा की,
मजा मुझे आया है। पकड़ो उसको, पकड़ो। पर वो किसको पकड़ेंगे, टुनटुनी तब तक उड़कर निकल गई। अच्छा जरा चल के दिखाओ तो। हाँ ये क्या, ये लड़की लंगड़ी है। ये क्या, छी छी छी, आप हमें लंगड़ी लड़की दिखा रहे हैं। लड़की बहुत संस्कारिक है। फालतू की बात मत कीजिए, जानबूझ को कोई लंगड़ी को बहू बनाएगा। चलो चलो चलो, हाँ उठो उठो, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। इस बार भी नहीं हुआ। क्या हुआ भैया, लड़के वाले को लड़की पसंद आई? नहीं नहीं, वही बात, लड़की लंगड़ी है। बात तो सही है, लंगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। भाई गोपाल, मैं तो बहुत कोशिश किया मगर मैं कुछ न कर सका। अब तुम जरा कोशिश करो गोपाल, ताकि इसकी शादी जल्द हो सके। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ, शादी के बाद दक्षिणा से मैं तुम्हारे दोनों हाथ भर दूंगा। ठीक है, जब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं देखता हूँ। आपकी बात समझ रहा हूँ, बड़ा घर, सुखी परिवार, लड़की हमारी खुश रहेगी, ये बात तो सच है। लेके एक आंख वाले लड़के से कोई लड़की की शादी कराता है क्या? चलो रे, चलो यहाँ से, चलो चलो। चलिए भैया चलिए। पनौती लड़के, तेरी शादी अब कभी नहीं होगी। ओह, इससे डांट के क्या होगा, आप जाके एक बार गोपाल से मिल लीजिए। वही करता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं, अपाहिज लड़की, उसकी शादी होना बहुत ही मुश्किल है। वही तो सोच रहा हूँ। गोपाल, एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हूँ। क्या समस्या? बेटे की शादी, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जा रहे हैं। कारण एक ही है, लड़का एक आंख से है। अच्छी दक्षिणा मिलेगी तो एक आंख वाले लड़के की शादी अच्छे घर में कराऊंगा। ठीक है, मैं दूंगा अच्छी दक्षिणा। आप निश्चित होकर घर जाएं और शादी की तैयारी करें, समझिए रिश्ता तय हो गए। ठीक है तो मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, अंधा और लंगड़ी की जोड़ी कैसी होगी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा दोनों की जोड़ी। क्या जी, एक आंख से देखने वाले लड़के और अपाहिज लड़की की शादी की बात हुई कि नहीं? अगले हफ्ते में ही शादी है। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद किए हैं ना? वो तो मंडप में ही पता चलेगा। अरे दूल्हा तो शर्म के मारे नजर ही नहीं उठा रहा है, देखते हैं दुल्हन को पसंद करता है कि नहीं। अरे ये क्या, दूल्हा तो एक आंखों से अंधा है। दूल्हा अंधा है, ओहो दूल्हा अंधा है, दूल्हा अंधा। सच में गोपाल, मेरे अंधे लड़के के लिए इतनी अच्छी बहू ढूंढ दिए हो, इसके लिए तुम लो अपना दक्षिणा। सच में गोपाल, तुमने मेरी लंगड़ी लड़की की इतने अच्छे घर में शादी करवाए हो, इसके लिए तुम लो अपना दक्षिणा। क्यों जी, आप गोपाल को शादी करवाने के पैसे क्यों दिए? आप देखे नहीं, दूल्हा एक आंख से अंधा है। दूल्हा अंधा है तो क्या हुआ, दिखने में तो सुंदर है। वो कैसे? अंधे पति के लंगड़ी पत्नी। तो सारे लड़कों, तुम लोग जरूर जानते हो कि पतंग कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ठीक है, तो फिर भोदू बाबू जरूर तुम भी बना पाओगे? हाँ सर, बनाने सकेंगे। अरे हाँ सर, इस पतंग को हम भी बना सकते हैं सर। जब मैं तुमसे पूछूंगा तब तुम जरूर बताना, समझे बदमाश कहीं के। बैठ जाओ तुम अभी और अपना पतंग मन लगा कर बनाओ। ठीक है सर।
तो फिर मैं चलता हूँ। तुम लोग अपने अपने पतंग को कन्नी बांध कर एक साथ मिलकर मैदान में आ जाओ। किसका पतंग कितनी ऊंचाई पर है वही देखकर मैं नंबर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। यही मैं बोल कर जा रहा हूँ। ठीक है। वो बदमाश हादा अभी तक नहीं आया, ऐसा क्यों? अरे सर, हमको तो पता नहीं, हम तो पहले आ गए कि भोडू कहाँ है। हाँ सर, देखिए सर, मैं आ गया हूँ सर। अब तुम लोग अपने अपने पतंग उड़ाओ, मैं उस ब्रिज के नीचे बैठकर देखता हूँ किसका पतंग कितना ऊपर है, वही देखकर मैं नंबर दूंगा। ठीक है सर। हदा, तुम्हारा तो पतंग उड़ ही नहीं रहा है रे। अरे कैसा पतंग है तेरा कि बार बार नीचे आ रहा है? बेसी तुम बात मत बोला करो भदू, तुम अपना काम किया करो। अरे पहले साल में तेरे को तो लड्डू मिला था बिल्कुल जीरो जीरो। ओ तुम बहुत अहंकार फुल रहे हो ना, देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चिखाता हूँ। मैं हमारा पतंग तेरा पतंग का इस बार देखो कैसे जान ले लेता है। अरे हदा, मेरा पतंग से तुम अपना पतंग हटाओ। क्यों रे भदू, डर गया क्या रे? छी 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 छी, देख तू इस बार। अरे हदा, तुम ये ठीक काम नहीं किया, तुम मेरे पतंग को काट दिया है हदा। अरे पतंग बनाना तो जानता है सभी कोई, लेकिन उड़ाना तो जानना पड़ता है ना। ये क्या बात है भोदू बाबू, तुम्हारा पतंग तो कट गया। जरूर तुमको शून्य ही मिलेगा। रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। अब भोदू, तुम इस बार क्या बना रहे हो? पतंग, पतंग, पतंग भला ऐसा होता है क्या भोदू? अरे हड्डा, इसको बॉक्स पतंग बोलते हैं, तुमको क्या पता है? ये बात है, ये पतंग कैसे उड़ते हैं? अच्छा तो ठीक है, आज मैदान में आ जाना, तब देखोगे। ठीक है ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ। ठीक है, तो मैदान में ही देखा होगा क्या? अरे वाह भोदू, क्या अच्छा पतंग उड़ रहा है, थोड़ा हमें भी दो थोड़ा उड़ाने के लिए अपना पतंग। अरे तब तुम यहाँ पे आओ, अभी तुम देखते ही जाओ देखते जाओ, ये मेरा बॉक्स पतंग का खेल, ये कैसे उड़ता है। अरे 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 भोदू, तुमने क्या कर दिया? निकालो मुझे बाहर, निकालो यार। अरे यार क्या कर दिया भोदू, तुम क्या कर रहे? ठीक है ठीक है ठीक है, रुको मैं तुम्हें निकालूंगा, जरूर निकाल दूंगा। अरे यार मैं हाथ नहीं हिला सकता, पैर नहीं हिला सकता, मैं देख नहीं पा रहा हूँ भोदू। अरे हड्डा, तुम सब कुछ कर पाओगे, थोड़ा सा इंतजार करो। हड्डा तुमको मजा आ रहा है ना? तुम बहुत हमको परेशान किया था पतंग जब उड़ा रहे थे, तो अभी कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत तुम चलाक बनते हो। अरे हड्डा, टीजर चलते ही परीक्षा में हमको जीरो जीरो ही मिला था, अभी तुमको तो मजा सिखाऊंगा। अरे रुक जा और रुक जा थोड़ा सा हड्डा, और रुक जा और रुक जा रुक जा। अरे भोतू, तुम क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है तू? मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो ना जल्दी। अरे वो तो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम रुक तो सही, ये ले देख। अरे बाप रे बाप, इतना तेज से मुझे कौन खींच रहा है रे भोतू? अरे बाप रे बाप, अरे बचाना बोलू, कौन खींच रहा है बोलू? अरे बाप रे बाप। अरे हड्डा, समझ में आया, ये बॉक्स पतंग का कमाल। अरे हड्डा, तुम ये बॉक्स पतंग के साथ तुम चांद की तरफ चले जा, और मैं सबको बता दूंगा स्कूल में कि तुम चांद की तरफ गया है हड्डा, तुमको चिंता करने कोई बात नहीं है। टाट। अरे भोदू, मुझे उतारना उतारना, मुझे उतारना भोदू, उतारना। अरे भोदू, मुझे नीचे उतार दो ना भोदू, अब तेरा मैं पतंग नहीं काटूंगा भोदू, तुमको परेशान भी नहीं करूंगा भोदू, उतार देना मुझे भोदू। सुन रहा है तू? हाँ,
मछली खा खा के मेरा मुंह पक गया है। बहुत दिनों से मन कर रहा है कि मैं मिठाई खाऊं। तुम्हें मिठाई खाना है? मिठाई कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, मैं कहाँ से लाऊं? सुन, एक काम कर, हाँ चल, मिठाई की दुकान से मिठाई चोरी करते। तुझे पता नहीं बुद्धि समय में चोरी करना कितना पाप है? वो तो मुझे पता है, लेकिन मिठाई कहाँ से मिलेगा ये तो पहले बता। वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो मोती के बूंदे डाकिया आ रहा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुन, इधर आ, मेरी एक बात सुन। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। कौन हो तुम? कौन हो? हैं, हम लोग हैं भूत। हम लोगों से टर मत। जैसा बोलता हूँ वैसा करो। एक लीटर लिख दो। हाँ, नहीं मारेंगे। लिख, जल्दी लिख। हाँ, लिख रहा हूँ। सत्यनाश हो गया। हमारा पोस्टमैन को भूत ने किडनैप कर लिया। पोस्टमैन को तब छोड़ेगा जब एक टोकरे मिठाई देंगे। आप पुश कीजिए सर। हाँ, ये कैसी बात है? हाँ, भूत ने चिट्ठी भेजा है क्या? सर, हम लोग भूतों से कैसे लड़ेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। मेरे और एक बात सुनो आप। हम लोगों का काम है इंसानों से लड़ना, भूतों से नहीं। अगर आप भूतों से लड़ना चाहते हैं, तो आप तांत्रिक पर जाइए। जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे ओ मास्टर जी, आप इतना परेशान होकर कहाँ जा रहे हैं? बताइए। टब्बू बेटे, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। पोस्टमैन को भूत ने पकड़ के रखा है। ये क्या? हाँ, मेरे लिए एक चिट्ठी भेजी है। कहाँ कहाँ? चिट्ठी दिखाइए। चिट्ठी में लिखा है, वो जो कहे हैं वो नहीं कीजिएगा तो वो डाकिया को मार देंगे। मैं क्या करूँ बताओ बेटा? अगर पोस्ट मास्टर मर गया तो सारे इंजाम मुझ पे आ जाएगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, समझे गब्बू? क्या क्या बता? एक काम कर, तू राष्ट्रीय किनारे से जाकर एक टोकरी पत्थर लेके आ। मैं लेकर आ रहा हूँ। एक पत्थर से क्या होगा? ओह, चुपचाप, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। बू, ये देख मैं ले आया। वेरी गुड, चलो अब हम लोग चलते हैं उस बरगद के पेड़ के पास। ओए, ओ देख, तीन मनुष्य हम लोग की तरफ आ रहा है। लग रहा है एक टोकरी मिठाई लेके आ रहा है। तब्बू, लेकिन तुम उन भूतों को कहाँ ढूंढोगे? ओए, हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद चले आए हैं। ओम तर पुक चर छू। ये देख मिठाई के टोकरी। तुम्हारे पोस्टमैन को छोड़ दिया है। ले जाओ। ये लो भूत भाई, तुम्हारा मिठाई का टोकरी। वाहन वाहन खुशी है। क्या मजा है। Yeah.
हम लोगों को बेवकूफ बना के चले गए। समाज अगर जान गया तो हम लोग मुंह कैसा दिखाएंगे। सुन, एक बात सुन, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ, चल चल, 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 चल।